और शादी कर लिए उसके बाद जो हम लोग का हाल है, हम दुआ करते हैं कि ऐसा अल्लाह मरे शादी कोई ना करे, कोई भाग कर शादी ना करे, हम इतना ही मतलब सबसे दुआ करता होता है ना। पति पत्नी है तो झगड़ा तो होगा ही, तो दोनों झगड़ा हुआ तो हम बाहर जा रहे थे बेगू को लेकर, और इसने ये किया कि मेरा बैग मतलब पकड़ लिया, ठीक है। बैग जब पकड़ लिया तो हमने बैग छोड़ा दिया, और बैग छोड़ा के इसको धक्का मारे तो ये मतलब होता है ना पैर पकड़ लिया, और पैर पकड़ लिया, पैर भी मतलब घिसीट रहे हैं तब पर ये छोड़ नहीं रहा है। और यही वीडियो हमारे दर्शक पब्लिक को अच्छा लगा तो मतलब वीडियो को बहुत आगे बढ़ा दिए, बहुत सपोर्ट किए, बहुत प्यार दुलार दिए। सो आज हम लोग मतलब की जा चुके हैं। सच में आप बाहर जा रहे थे या सिर्फ वीडियो बनाने के लिए किए थे? नहीं, रियल में हम बाहर जा रहे थे, रियल में पक्का हम बाहर जा रहे थे। यानी आप इनसे लड़ाई करके बाहर जा रहे थे, किसी और ने वीडियो बना दिया? हाँ, वीडियो किसी और ने बना दिया, मतलब घर के सदस्य बनाया, मतलब हम लोग को मालूम नहीं था, पर हम रियल में बाहर जा रहे थे। और वीडियो वायरल हो गया? हाँ, वीडियो वायरल हो गया। कितना व्यू गया है उस पे? 7 मिलियन गया है। क्या दर्शक क्या उसमें कमेंट्स क्या किए हैं? कमेंट बहुत अच्छा अच्छा कर रहे हैं, मतलब कमेंट मतलब जो पढ़ते हैं ना तो उसमें हमको भी रोना आ जाता है। और बहुत ही बोलते हैं कि वीडियो ऐसे बनाए हैं, बहुत हार्ड मतलब टचिंग वीडियो है, बहुत सैड है, हम लोग को भी याद आता है, मतलब बहुत सारा मीठा मीठा कमेंट आता है। हम लोग को बहुत अच्छा लगता है कि ऐसा ही हमारा पब्लिक सपोर्ट करे और ऐसा ही मीठा मीठा अच्छा अच्छा कमेंट करे। यहाँ देखते हैं महिलाएं को या लड़का है, कभी लड़की बन के अजीब अजीब तरह के कपड़ा पहन करके वीडियो बनाता है लड़की वाला, और महिला है जो अर्धनग्न या समझिए पूरा नग्न होकर वीडियो बनाती है। तो आप लोग उस तरह का करते हैं क्या? नहीं, पूरा वस्त्र हरण में वीडियो बनाते हैं, पूरा वस्त्र मतलब कि शरीर को ढककर ही वीडियो बनाते हैं। हम लोग ऐसा अश्लील वीडियो कभी नहीं बनाएंगे, ना कभी बनाएंगे, ना कभी बनाते हैं, ना कभी बनाएंगे। तो फिर वायरल नहीं होगा? तो नहीं होगा, तब पर भी हम लोग मेहनत करेंगे, एक न एक दिन पब्लिक को जरूर एहसास होगा कि हाँ सच्चाई भी कुछ है, सच्चाई को भी सपोर्ट करना है हम लोग को, और सच्चाई जो वीडियो बना रहा है उसको भी सपोर्ट हम लोग करेंगे। सुनने में आया है कि आप लव मैरिज किए हैं? जी, लव मैरिज किए हैं। ट्रेन में? जी। मतलब ट्रेन में कितना देर के सफर में प्यार हो गया? सफर था वही 1.5 घंटा का सफर था। 1.5 घंटा में प्यार भी हो गया? जी। और शादी भी? जी। मतलब ट्रेन में शादी भी कर ली है? नहीं, ट्रेन में नहीं किए, मंदिर में किए। शादी मतलब कि साल भर के बाद हुआ, ऐसे नहीं वहाँ साल भर जब हम लोग बातचीत किए उसके बाद हम लोग का शादी हुआ, ऐसे नहीं। तो आप लोग भाग के शादी किए? जी जी। गार्जियन सपोर्ट नहीं कर रहा था? गार्जियन सपोर्ट नहीं कर रहा था। क्या बोला गार्जियन? गार्जियन बोला कि देखिए मतलब कि तुम लोग गलत कर रहा है, हम लोग का जो हम लोग का भी तुम लोग का पोस पाल के इतना बड़ा किए हैं, हम लोग का भी कुछ मतलब कि अति है कि हम भी सर समाज में तुम लोग का मतलब भी बहन बराती होता है ना ये सबके साथ मतलब कि शादी करेंगे। तो हम बोले कि ठीक है, ऐसा अच्छी बात है, मगर अब हम लोग के भी मतलब कि ऐसा लगा कि नहीं, जब हम दोनों भी मतलब कि जब प्यार कर रहे हैं अभी इसके अलावा हमको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। हम बोले कि नहीं चलो ठीक है, मतलब दुनिया करता है तो नहीं हम लोग भी कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, इससे कुछ नहीं होता है, चलो जो हुआ तो देखा जाएगा बाद में। और हम लोग जाके शादी कर लिए, और शादी कर लिए उसके बाद जो हम लोग का हाल है, हम दुआ करते हैं कि ऐसा अल्लाह मरे शादी कोई ना करे, कोई भाग कर शादी ना करे, हम इतना ही मतलब सबसे दुआ करते हैं। और पब्लिक लोग को भी कहना चाहते हैं कि आप लोग कभी ज़िंदगी में लव स्टोरी शादी नहीं कीजिएगा, क्योंकि जो हम लोग के जो देख रहे हैं, जो फुटपाथ पर रह रहे हैं, हम लोग के जो हाल है, शायद ये किसी को ना हो, भगवान करे, बस आप लोग इतना ही दुआ करते हैं बस। यानी प्यार करने का शादी, प्यार करके शादी करने से आप पछता रहे हैं? बहुत पछता रहे हैं, ऐसा करना भी नहीं चाहिए, हर शौक मतलब हम लोग का ख़त्म हो गया है, हम लोग का ही तो छोड़िए, हम लोग का दोनों आदमी का गार्जियन का भी शौक ख़त्म हो गया है। यानी घर पे शादी होता, बराती आता, सब कुछ खत्म, और इसके बाद तो संघर्ष करके खाना है, संघर्ष से खाना है वही। देखिए प्यार करने वालों, और प्यार करना तो बुरी बात है ही नहीं, लेकिन भाग के शादी करने वालों के लिए एक बहुत बड़ी सबक है इनके द्वारा। देखिए किस प्रकार के जीवन जी रहे हैं ये दोनों प्रेमी जोड़े, और ये लोग भाग के शादी किया, जीवन मतलब नरक इन लोगों का बना हुआ है, इसी झोपड़ी के पास रहते हैं और किस प्रकार से जीवन गुजर बसर करते हैं। ये आपका अपना घर है? जी नहीं, मेरा अपना घर नहीं है ये। अच्छा, ये किसी और का है, बस इसमें आकर जब तक हम रह रहे हैं, रहने दिया है मगर हम लोग का नहीं है। भूसी वाला देख रहे हैं, नीचे पूरा भूसी है, इसमें हम लोग रहते हैं, समझ गए, मतलब हम लोग के लिए रहने के लिए कुछ नहीं है, अभी खाना पान तक भी कुछ नहीं है, बस हम लोग अभी ऐसा ही भूखे अभी है। पब्लिक लोग का बस सपोर्ट के लिए बस हम लोग दुआ मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं। भागी तो डर नहीं लगा? नहीं लगा। मम्मी पापा से बोली नहीं कि हम शादी कर दीजिए? बोले, यानी बोले तो लोग नहीं माने? नहीं, नहीं।
देख लीजिए खूबसूरत है, आ खूबसूरत महिला हमेशा खतरनाक होती है ये सभी लोग कहते हैं, आ ये खूबसूरत थी इसीलिए खतरनाक होकर अपने मम्मी पापा के नाकन कटा करके चली आई। ये बेचारा भी वही किया, लेकिन लोग कहता है बेटा है कुछ भी कर सकता है, बेटी के लिए कुछ भी करना फ्री नहीं होता है। मायके में माँ बाप के कब्जे में बंधी रहती है और ससुराल होते ही पति जहाँ डोर में बांध देता है, जाना कहेगा तो जाओ और नहीं कहेगा तो नहीं जाओ। अभी बेचारी डोर में बंद गई हुई है, आजादी है यहाँ ना, अभी ससुराल में नहीं है, पति के पास रहती फिर भी आजादी न है। काम क्या करते हैं अभी? अभी फिलहाल काम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस हम लोग मतलब काम खोज ही रहे हैं। अच्छा, काम मिलेगा तो कमाना है खाना है। काम मिलेगा तो हम लोग कमाएंगे खाएंगे। और मम्मी पापा से माफी मांगने गए हैं? मम्मी पापा से माफी मांगने गए थे मगर वो लोग अभी मतलब कि कोई अथी नहीं दिए, रिस्पॉन्स अभी नहीं दिए है, जब देगा तो आप लोग अपडेट हम देंगे, ठीक है, और अभी कोई अपडेट नहीं। चलिए, इनके घर वाले जो इनके साथ कर रहे है वो आपको कैसा लग रहा है? इनके साथ जो हो रहा है किस प्रकार से, इतने खूबसूरत और स्मार्ट लोग है, कितना अच्छा घर में रहे होंगे ये भी आपको इन लोगों को देखने के बाद समझ में आता होगा। लेकिन इन लोगों के घर वाले इन लोगों को निग्लेक्ट कर दिए हैं, इन लोगों की आज जो स्थिति है वो देखने के बाद आपको क्या लगता है कि इन लोगों के साथ सही हुआ है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि वाकई में प्रेम विवाह खतरनाक है, प्यार करके शादी करने के बाद जीवन नरक होता है, या आप भी किए हैं प्रेम विवाह और आप खुश हैं या दुखी हैं, तो कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि जो प्यार करके करके शादी करने के लिए सोच रहे होंगे वो एक बार जरूर सोच लेंगे। कौन सा चैनल है आपका? चैनल का नाम है मुस्की मनीषा अमित। आप यूट्यूब पे जाइए और फेसबुक पे जाइए और इंस्टाग्राम पे जाइए, तीनों पे मुस्की मनीषा अमित है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जाके सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हम लोग मेहनत कर रहे हैं और हम लोग का अभी सपोर्ट में कोई नहीं है, तो आप ही लोग के ऊपर हम लोग छोड़ दिए हैं। आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप लोग से इतना ही निवेदन करते हैं।